गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर से हम हेक्साडेसिमल नंबर कैसे लिखेंगे। तो आज हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ठीक है, देखिए इसके एग्जांपल को समझते हैं। क्वेश्चन है, जैसे लिखा है आपका एफ सिक्सटी। ठीक है, एफ टू सिक्स। ठीक है, चलिए मैंने चीज आपको रिमाइंड करा दूं। मैंने ये बताया था हेक्साडेसिमल में 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए एफ लिखा है। एफ का मतलब क्या है? 15 है, तो इधर एफ का मतलब 15। ठीक, 2 है, उसको 2 लिखेंगे, फिर 6 है, तो 6 से लिखेंगे। ठीक है, अब इसके नीचे हम लिखेंगे उनसे 8421, फिर यहाँ लिखेंगे 8421, फिर यहाँ लिखेंगे क्या 8421। ठीक है, अब देखिए 15 है, तो कौन कौन सा नंबर को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा। देखो 8 और 4 12 12 टू 14 1 15, चारों को ऐड करना होगा तब क्या बनेगा 15। अब क्या लिखे, चारों नंबर आना है 8 4 12 12 और 14 1 15, चारों को ऐड कर रहे हैं तब 15 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब क्या है 2, यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, सिर्फ यहाँ से एक ये 2 रहेगा तो उसके पास से बन सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि चारों में से किन किन नंबर के कॉम्बिनेशन से ये बन सकता है। जैसे कि चारों नंबर के कॉम्बिनेशन, चारों को ऐड करेंगे 15 आ जाएगा। उसी तरह क्या है कि किसको किसको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ओनली 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका कोई यूज नहीं आ रहा है तो 0, इसका कोई यूज नहीं है तो 0, लेकिन इसका यूज है इसलिए आप 1, और इसका यूज नहीं है तो 0। ठीक है, इसमें चारों का यूज हुआ है, चारों का ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, चारों को 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अब किन किन के कॉम्बिनेशन में 6 बनेगा, देखो 8 और 4 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, जो भी खत्म हो गया। 4 और 2 ऐड करेंगे क्या होगा 16, क्या क्या यूज करना होगा 4 और 2, और कोई कॉम्बिनेशन 6 बन सकता है, नहीं बनेगा। 4 और 2 ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि दो नंबर के कॉम्बिनेशन से 6 आ रहा है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है 0, इसका यूज होना है इसलिए 1, इसका यूज होना है इसलिए 1, और इसका यूज नहीं होना है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1 0 0 1 0 0, तो सही 1 1 1, 4 1 है, फिर 2 0 1 0, फिर 0 1 1 0, ये आपका मैजिस्टर कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन, जैसे कि लिखा रहेगा 12 FA। ठीक है, ये बेस 16 मतलब क्या है कि आपके डेसिमल, आपके हेक्साडेसिमल में जो कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, बेस 2 लिखा मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, पहले के लिए 1 है तो यहाँ मान लेंगे 2 है, या 2 है, एफ है तो यहाँ एफ लिखेंगे, ए है तो यहाँ एफ लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखेंगे 8 4 2 1, सब नीचे 8 4 2 1 खुद से लिखेंगे 8 4 2 1 8 4 2 1। ठीक है, आप देखो एफ के नीचे देखो, एफ एफ का मतलब क्या है 15, यहाँ 15 लिखो, फिर ए का मतलब क्या है 10, इसलिए यहाँ क्या लिखा 10। फिर इसको देखिए, फिर से बताता हूँ मैं,
हम क्या किए, इसको अलग अलग करके लिखिए, वन टू एफ ए, ठीक है। वन का मतलब तो वन ही है, टू का मतलब टू ही है, एफ का मतलब कितना है, पंद्रह, इसलिए क्या लिखे हम यहाँ पंद्रह, और ए का मतलब क्या है, दस, इसलिए हम क्या लिखे टेन। आप इस सब के नीचे क्या करेंगे, एट फोर टू वन अपने मन से लिखेंगे, एट फोर टू वन, एट फोर टू वन, एट फोर टू वन, ठीक है। अब क्या है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसके कॉम्बिनेशन चारों में से तीन तीन नंबर के कॉम्बिनेशन से वन बनेगा, सिर्फ वन के कॉम्बिनेशन से वन बनेगा, और कोई नंबर है जिससे वन बना सके, नहीं सिर्फ वन है तो इसको घेर दिए, और इसे काम नहीं है तीनों का काम नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं इससे, जीरो 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 ऐसे काम है, इसलिए क्या लिखा वन। अब यहाँ पर अब टू तीन नंबर के कॉम्बिनेशन से टू बनेगा, सिर्फ टू इसके कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा टू, इसलिए क्या किया क्वेश्चन देखते हैं। वन में लिखा है आपका जैसे कि आपका चैप्टर फिनिश हो गया।